हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। नहीं आ रही है आवाज, तो जैसे नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, कितना शुरू कर रही है पांडव सखी माता जी? हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण हंजी माता जी, म्यूट कर लीजिए पहले, आप म्यूटेड हैं। माता जी हरे कृष्णा हंसी माता जी, जंगल का नाम शुरू करें माता जी। हरे कृष्णा सभी को, सभी आए भक्तों को हरे कृष्णा, जंगल का नाम। अब हम भगवान का कीर्तन करेंगे थोड़ा। आप सब अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर चाहो तो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ
माता जी आप म्यूट हो गए। हरी हरी बोल। आइए सभी वैष्णव प्रणाम करेंगे। जय विष्णु पाद परम हंस परि व्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद्गुरु डिवाइन ग्रेस भक्ति सरस्वती नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। निताय बोध प्रेमानंद हरि हरि बोध। ऑल ग्लोरियस टू सेंबर डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस टू सेंबर डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस टू सेंबर डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस टू जगत श्री गौरंगा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अब हम मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे। जय विष्णु पाद परम हंस। ओम अज्ञानं शिविरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सह गंधगुणाथावंतितं संजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गंधललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा आज हरे कृष्णा माता जी आज भक्ति दीक्षा सप्ताह 16 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, हमारे हमारे बीच में दो तीन भक्त लोग नए आए हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम सब आपको देख पाए। तो हमारे बीच में है बबीता माता जी, हरी बोल बबीता माता जी के लिए, हरी बोल हरी बोल। और हमारे बीच में है और हमारे बीच में रुचि सलूजा माता जी, हरी बोल रुचि माता जी के लिए, हरी बोल माता जी। दोनों का हमारी क्लास में वेलकम है, बहुत 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 अच्छा लगा आप लोग आए। और बाकी जो हमारे भक्त जो आए हैं, ममता माता जी, रुचि माता जी, ज्योति शर्मा माता जी, ज्योति बंसल माता जी, अन्नू माता जी, आप सबका वेलकम है बहुत बहुत। आप अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, स्पेशली अन्नू माता जी, बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया माता जी ने, मेरे स्कूल में टीचर है मैम, थैंक यू सो मच। तो जो नए भक्त जन है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, बबीता जी को और रुचि सलूजा जी को, एक्चुअली ये भक्ति वृक्ष क्लासेस, मेरी आवाज आ रही है ना सही से, भक्ति वृक्ष क्लासेस कहलाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकट्ठे होकर हफ्ते में एक दिन इकट्ठे होते हैं और हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान, हमें पता तो है भगवान कौन है, कृष्ण है हम जानते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है ना। अब जैसे कोई बच्चा IIT का पेपर देता है, उसे सिलेबस तो पता है क्या क्या पढ़ना है, बट उसको गाइड करने वाला चाहिए कोई ना कोई, तभी वो अपने एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो हमें भी पता है कि भक्ति करने से, तपस्या करने से, योग करने से, दान पुण्य करने से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं भगवान तक पहुंचने की, पर हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री रूपनाथ जी ने हमें एक प्रॉपर एक विधि बताई है, इसको हम बोलते हैं साधना भक्ति, भक्ति विद साधना। साधना का मतलब है जिस चीज में साधन इंक्लूड होते हैं, ऐसी भक्ति। जैसे जो हम भक्ति करते हैं उसमें हम हाथ में जप माला लेते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, हम उनके सामने नृत्य करते हैं, मतलब ये सब साधन है। अगर कोई सोचे कि हम तो, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हम तो आंख बंद करके ही भगवान को अपना लेंगे पालेंगे क्योंकि हमारे हृदय में भगवान होता है, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है कि ऐसा करना मुश्किल है, बट ये मतलब बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। ये कलयुग का टाइम है, कलयुग के टाइम में तो टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को, हम इतने व्यस्त रहते हैं कुछ ना कुछ कामों में हम घिरे रहते हैं हर टाइम। तो इसमें से अगर हम अपने समय को थोड़ा सा निकालें, थोड़ा सा बस भगवान के लिए निकालें या अपने लिए निकालें, तो हम उतने से ही समय, इतना ही समय निकाल कर हम उस धाम तक पहुंच सकते हैं जहाँ भगवान का धाम है। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती थी, आप लोग नए आए हैं तो एक्चुअली हमारा ये अभी ये मॉड्यूल 2 चल रहा है, इसमें 7-8 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर करते हैं, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है जो।
और हर एक मॉड्यूल में वीक होता है, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री। तो अभी हमारा 16th वीक चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था उसके बारे में माता जी, पांडव सखी माता जी रोहतक से है, माता जी स्पेशली क्लास लेने के लिए आते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा बताएंगे क्या है, क्या किया था हमने लास्ट टाइम। माता जी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भक्ति दीक्षा कक्षा में। हमने पिछली बार हमने क्या क्या सीखा था, हमने देखा था कि हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण है और उनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो सबसे स्टार्टिंग हमने बताया था जीभ के माध्यम से भगवान तक पहुंचते हैं। जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं, तो हरि नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान को जो हम भोग ऑफर करते हैं प्रसाद उसको पाते हैं, जिससे हमारी जीवा शुद्ध होती है, तो बाकी की अभी हमारी स्वैप कंट्रोल में हो जाती है। इसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि वो सारी के हो हम तो घर पर लेके आते हैं पढ़ने, लेकिन ऐसी ही रह जाती है, हम उन्हें नहीं पढ़ते और यूं ही हम उनको थ्रो भी कर उनका अध्यात्मिक में विशेष लाभ नहीं होता है। तो हमें कैसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो प्रामाणिक संप्रदाय प्रामाणिक परंपरा से आती हैं, हमें ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिनका हमारे आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम आगे अब आज पढ़ेंगे हमारा यह 16 चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्या आप में से कोई माता जी जिनके पास ये इसकी कॉपी है वो पढ़ना चाहेंगी? पांडव सखी माता जी मैं आपको बताना चाहूंगी, लास्ट पैराग्राफ है, जैसे ही आप समझते हैं यहाँ से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी माता जी। हाँ जी, हमारे जो मेंबर्स हैं भक्ति वृक्षा के, माता जी मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी आ रही है। हाँ जी जी, तो मैं आ रही है माता जी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, हमारे जो भक्ति वृक्षा के मेंबर हैं सब भगवान की जो वर्शिप करते हैं घर में, अपने जो डीटीज का जो पूजन पाठ करते हैं, प्रसादम लगाते हैं, अब वो प्रॉपर गुरु परंपरा षड गोस्वामी सबको रख कर उनको पूज कर ही करने लगे हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू देम कि दे आर फॉलोइंग प्रॉपरली। तो एक बार आप थोड़ा सा फिर से बता दीजिए कि क्या सही भक्तों के लिए हरी बोल। माता जी एक बार आप दोबारा से इनको बता दीजिए सबको, जैसे नए मेंबर्स भी आए हैं, गुरु परंपरा क्यों रखनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भगवान के पास हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं और भगवान से प्राप्त ज्ञान को भी हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, तो हम बीच में जो पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं हम उन्हीं के माध्यम से तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही हम जो भगवान को ऑफर करना चाहते हैं उन्हीं के माध्यम से ही ऑफर कर सकते हैं। इसलिए हमें पूरी गुरु परंपरा रखना जरूरी है। जैसे श्री राधा कृष्ण जी हैं, उसके बाद फिर हमारे किनका आविर्भाव हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जी का। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तो हमारे विग्रह कक्ष में चैतन्य महाप्रभु जी यानी पंच तत्व विग्रह आते हैं। फिर उसके बाद जैसे षड गोस्वामी नरसिंह देव भगवान तो है ही विघ्न विनाशक, तो इसलिए हम भगवान विष्णु के अवतार जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं नरसिंह देव भगवान को रखते हैं कि वो हमारे सारे विघ्नों को नष्ट करते हैं। फिर है षड गोस्वामी जी, षड गोस्वामी जी हैं, इन्होंने इनको चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश किया था और ऑर्डर किया था कि आप वृंदावन जाइए, जो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीला सखलियां आप उनको खोज निकालिए और वहां से उनकी पुनः स्थापना कीजिए। तो ये इन्होंने हमें बहुत सारे ग्रंथ भी दिए हैं जिनके माध्यम से हम भक्ति सीख सकते हैं और भगवान तक पहुंचने के मार्ग को अपना प्रशस्त कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे वैष्णव आचार्य, शरगोल के बाद जैसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी आते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी शिवपुरी के गुरु हैं। इनके माध्यम से ये सारा ज्ञान जो भगवद गीता का ज्ञान जो हमें एज इट इज प्राप्त हो रहा है
इसी गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमारे इस परंपरा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जैसे आम का एक आम जैसे वृक्ष का एक फल होता है बहुत ऊंचाई पर हो, और अगर हम उसको नीचे से क्यों बनाते हुए एक के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ गया, अगर उसको तोड़ता है आराम से और वो ऐसे नीचे पास करता है, सबसे नीचे वाले व्यक्ति को देता है, तो आम एज इट इज रहता है, वो फिर से फूटता नहीं है। हमें यू एज इट इज हमें वो प्राप्त होता है, तो हमें उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और अब इसी प्रकार अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को इसी गुरु परंपरा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें वो ज्ञान यथारूप में ही प्राप्त होता है। और वैष्णव आचार्य इतने सिद्ध होते हैं, हम कोई भी चीज कोई भी भोग ऑफर करते हैं उन्हें भगवान को करना चाहते हैं, उनके माध्यम से करते हैं, तो हमारे वो हमारे भावनाओं को हमारे भोग को भगवान तक पहुंचाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान भक्त ने ये भोग बनाया है उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमारी ना तो इंद्रिया पूर्ण है और ना ही हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम भगवान का कुछ दे सके, तो हमें वैष्णव आचार्यों की कृपा की बहुत आवश्यकता है, उनके माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरु परंपरा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा बताया। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन? हाँ जी माता जी। माता जी आचमन विधि भी पढ़ी थी, वो भी जरूरी होती है क्या पूजा में? हाँ जी माता जी, वो जरूरी होती है, क्योंकि हाँ हम चाहे कितने ही हाथ धोले लेकिन एक मंत्र, वैसे तो जो मंत्र नहीं भी आते हैं तो हम उसको 3 बार ऐसे बोल के हम करते हैं, क्योंकि इससे ना हमारे जैसे हाथ इतने शुद्ध नहीं होते हैं, उससे शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम ये अपने वैष्णव आचार्यों के निर्देशन में निरीक्षण में करते हैं ना, तो उससे शुद्धता के लिए आचमन विधि का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम कुछ भी पवित्र कार्य कर सके। आचमन विधि के मंत्र भी होते हैं, मंत्रों के साथ उसका पवित्रीकरण होता है, क्योंकि मंत्र ही हर चीज को पवित्र बनाते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हमें पवित्र करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे अंदर जितना मैल होता है वो साफ करता है। उसी प्रकार हम जब आचमन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने मंदिर में क्यों रखते हैं ये। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कोई माता जी? आप पढ़ेंगे? आपके पास हो तो प्रिंट आउट इसका है माता जी, लास्ट पैराग्राफ ये है माता जी, 16 सप्ताह का फर्स्ट पेज है, जो इसका लास्ट पैराग्राफ यहीं पर ही हमने छोड़ा था ना, कि इसको हमने यहाँ पे एंड किया था ना, कि लास्ट अगर आप इस प्रक्रिया अपनाएं, सिद्धांतों का पालन करें तो उसका क्या परिणाम होगा, यहाँ तक तो हम कर चुके थे, तो उससे आगे है लास्ट पैराग्राफ। जैसे ही आप यह समझते हैं आप यह जान जाएंगे कि वही सारे कारणों के कारण है। हाँ जी बात हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। जैसे कि आप यह समझते हैं, आप यह जान जाएंगे कि वही सारे कारणों का कारण है, लेकिन वह किसी भी कारण से प्रभावित नहीं है, और वह सारे नक्षत्रों का मालिक, यह सिर्फ आंख बंद करने के लिए नहीं है। भगवान ने हमें तर्क करने की और बहस करने की शक्ति दी है, लेकिन झूठी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हमें अध्यात्म के माता जी एक मिनट एक हरी बोल संजी माता जी एक बार आप रुकेंगे प्लीज। देखो जैसे ये लाइन हमें बताती है कि कौन है सभी कारणों के कारण, भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवत गीता के भी चैप्टर में भी दे रखा है कि भगवान अपने आप को कहते हैं मैं सभी कारणों का कारण हूँ। जो भी संसार में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है
उनके कारण भगवान ही होते हैं, चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ब्रह्मांड, कोई भी जीव है, 84 लाख योनियां हैं, तो सभी की उत्पत्ति के कारण भगवान है। भगवान ने ये सौंपा है अपना कार्य ब्रह्मा जी को, क्योंकि उन्होंने भगवान के कहने से ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ऑर्डर किन्होंने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने। वो सभी के मालिक है, सभी नक्षत्रों के मालिक है, जैसे इसमें कह रहे कि, लेकिन हम ये ऐसा मान ले कि भाई भगवान सभी कारणों के कारण है, ये ऐसा नहीं है कि हम विश्वास कर ले, बस आंख बंद करके विश्वास कर ले कि वो है। ये इसके लिए हम प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रश्न कैसे करने चाहिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी भक्ति के जीवन में आगे जाके भी बहुत काम आएगी। कि भगवान ने हमें तर्क करने की और बहस करने की शक्ति दी है, हम कर सकते हैं, किसी चीज से भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे अंदर पर्याप्त बुद्धि चाहिए कि हमें किस विषय पर बहस करनी है, किस पे नहीं करनी है, किस प्रकार हमें बहस करनी चाहिए। क्योंकि हमें झूठी बहस नहीं करनी चाहिए, अगर हम किसी के साथ झूठी बहस करते हैं तो उससे हमारा ही समय नष्ट होता है और कोई हमारी भक्ति में भी प्रगति नहीं होती है। इससे आपको मैं रिलेटेड एक पॉइंट भी बताना चाहूंगी कि अगर हम किसी गुरु से, किसी से, हम अपने वरिष्ठ वैष्णव से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए, हमें यह जिज्ञासा विनम्रता पूर्वक करना चाहिए और उससे व्यर्थ के क्वेश्चन भी नहीं करने चाहिए, जिनके बातों का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे भी हमें क्वेश्चन उनसे नहीं करने चाहिए। और जो हम वरिष्ठ वैष्णव गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, गुरु को विनम्रता के साथ ही सुनना चाहिए और कोई क्वेश्चन चाहिए। अगर मनुष्य असली रूप में स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करता है तो वो सही मायने में जिज्ञासा कहलाती है। जीव का नित्य स्वरूप क्या है? कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, तो इस विषय में उसे जिज्ञासा करे तो उसके लिए काफी अच्छा होता है। उसकी चेतना बंधन में फंसी हुई होती है और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, तो यह उसे इस टाइप की जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से किस प्रकार बाहर निकलूं। अदरवाइज वो यूं ही इस संसार में आता है और चला जाता है और अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देता है। मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, आपको पता ही है कि जैसे कीड़े हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, जलचर बहुत सारे हैं, तो मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल। जो योनि होती है उसमें कम होते हैं, बाकी योनियों में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा है जैसे कोई चींटी आती है एकदम से कितना बड़ा झुंड हो जाता है। मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार हरे कृष्णा करिए माता जी, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं एक बार दोबारा से कर रही हूँ। हाँ जी, लिंक पे दोबारा क्लिक करना है चैट में जी।